नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में बीच बीच में काफी सक्सेस स्टोरीज लाता हूँ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। तो बहुत सारी बीमारियां और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग रूटीन में वीडियोज बनाते भी हैं, बात भी करते हैं कि इन इन बीमारियों में अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। लेकिन वो होगी थ्योरेटिकल बातें, लेकिन प्रैक्टिकली जब क्लिनिक पर कोई ठीक होते हैं कोई ऐसी बीमारी से जिसे परेशान हो और उनको अगर फायदा होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोग अगर चला के सामने आए और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि हाँ, उनको भी ऐसी बीमारी जिससे परेशान थे और होम्योपैथिक मेडिसिन लिया और फायदा हुआ है, तो बाकी लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, अगर हम भी ऐसे परेशान हो रहे हैं कोई बीमारी से, वो चाहे कोई सर्जिकल कंडीशन हो या लंबे समय तक बहुत सी ऐसी केसेस होते हैं जहां आपको मेडिसिंस लेनी होती है, कई बार लाइफ लॉन्ग भी आपको मेडिसिंस लेनी पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स भी होम्योपैथी में ठीक होते हैं। थायराइड के पेशेंट्स ठीक होते हैं, शुगर के भी काफी पेशेंट्स ठीक हुए हैं और इसी तरह से अस्थमा के भी बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं। तो आज हमारे पास में ऐसे ही हैं, सरदार सिंह जी हैं, आप पाली मारवाड़ जंक्शन से हैं और आप भी अस्थमा इनके बच्चा है, साथ में गर्वित है, गर्वित भैया हमारे साथ में, गर्वित लखावत, आप सरदार सिंह जी के बच्चे हैं, 9 ईयर्स इनकी एज है और गर्वित को एलर्जिक अस्थमा था जिसके लिए आप जो है इनहेलर्स भी रेगुलर ले रहे थे और काफी सारे एलोपैथिक दूसरे ट्रीटमेंट्स भी काफी टाइम से ले रहे थे। अच्छी इससे अच्छी जगह इन्होंने ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, बट जो बीमारी थी वो कंट्रोल हो रही थी विद इनहेलर्स, उसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं था। और जो लोग अस्थमा के पेशेंट है वो लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप कुछ समय पहले, लगभग 20 दिन पहले हमारे पास 5 जून को पहली बार आए थे और आज वापस आए हैं लगभग 20 डेज बाद में, 24th of June को। तो 20 दिन के अंदर इनको बता रहे हैं कि काफी अच्छा फायदा हुआ, जो इनहेलर्स थे वो इन्होंने खुद को जरूरत नहीं पड़ी, वो भी ये बंद कर चुके हैं। दूसरी काफी मेडिसिन जो चल रही थी एलोपैथिक वो भी बंद कर चुके हैं, इनको बिल्कुल भी अब गर्वित भैया को जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस एक्सपीरियंस को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आपसे लखावत साहब जो खुद एक सरकारी अधिकारी हैं उनसे डिस्कशन चल रहा था, तो इनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि बाकी लोगों को भी अगर इससे फायदा मिल सके तो इनको भी खुशी होगी। तो हम लोग अब सरदार सिंह जी लखावत साहब से आगे का एक्सपीरियंस सुनते हैं। सर, मैं सरदार सिंह लखावत, गाँव रेंद्री शुद्ध सिटी के पास मेरा गाँव है, मेरा बच्चा है गर्वित लखावत जिसकी उम्र है 9 साल। 1 साल पहले इसको एलर्जिक अस्थमेटिक की प्रॉब्लम हुई और इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिप्लस एम्स में भी बताया, उन्होंने इनहेलर और अन्य जो एलोपैथिक दवाई दी, उससे एक समय तो रिलीफ मिलता था लेकिन कुछ समय बाद में वो बीमारी वापस आ जाती थी। लेकिन बाद में डॉक्टर साहब के पास आने के बाद में 20 दिन में इतना रिलीफ मिला, इनहेलर बंद हो गया और दूसरी जो मोंटोलुकास वगैरह जो अन्य दवाएँ चल रही बिल्कुल रूप से बंद हो गई और इतना अच्छा फायदा मिला मेरे परिवार वालों को और मुझे एक तरह से शांति मिली। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो एलोपैथिक की जगह अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले तो आपको साइड इफेक्ट भी कम होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो के थ्रू जो सरदार सिंह जी का और मेरा जो मोटो है, जो मकसद है, वो यही है कि आप जहां भी रहते हैं और अगर आपको कोई भी बीमारी है, रूटीन में भी मैं बात करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं हर बीमारी के हमने वीडियोस बना रखे हैं और ऑलमोस्ट हर बीमारी की सक्सेस स्टोरीज भी मेरी कोशिश रह रही है कि जो लोग चला के सामने आना चाहे तो उनको आपके साथ शेयर करते हैं। बट इस वीडियो के थ्रू सरदार सिंह जी और मैं आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपके घर में भी अगर किसी को अस्थमा है या लंबे समय तक कोई तरह का कफ खांसी की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। उसके लिए जरूरी नहीं कि मेरे पास ही आना है, आप जहां भी रहते हैं नजदीक में आपके वहां अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको सर्च करें और उनके गाइडेंस में आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो डेफिनेटली मैं मान के चलता हूं कि आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और सबसे अच्छा, जैसा आपने कहा, होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि हो सकता है आपकी बीमारी जिसके लिए आपको हो सकता है जिंदगी भर भी दवाई खानी पड़े, वो बीमारी भी आपकी कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो सकती है। थैंक यू।